एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर वन यानी कि द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक ऑर्डर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, फैमिली कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपको ऑर्डर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज कहाँ से देख रहे हैं आप? ये सीरीज आप टेक्सोनोमिकल हायरार्की से देख रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको कई क्लासेस से समझाती आ रही हूँ कि ये सीरीज आप किस तरीके से नोट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इनिशियल्स लिख रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ इनिशियल्स लिख रखा है, बट आप इन इनिशियल्स को देख के गारंटीड इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के फॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, किंगडम। ठीक है, पी फॉर फाइलम। ये एनिमल्स में है, जब प्लांट्स की बात आती है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, डिवीजन नोट करेंगे। ठीक है, देन सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड फाइनली एस फॉर स्पीशीज। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको स्पीशीज, जीनस, देन फैमिली पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आज किसकी बारी आ रही है, ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद तीन और टैक्सन, मतलब तीन और कैटेगरीज बचेंगी जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम आज बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्डर के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जब आप जीनस पढ़ते थे तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जब आपने फैमिली पढ़ा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से ऑर्डर में आपको क्या नोट करना है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को ही शो करेंगे, अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे फिर हम इनको काउंट कैसे करेंगे एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, बट जो सिमिलैरिटीज होंगी वो बहुत कम होंगी यहाँ पे, किसके कॉम्परेटिवली, फैमिली के कॉम्परेटिवली। ठीक है, और जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे उसके अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इसको कंपेयर करते जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि आप अगर यहाँ पे बॉटम टू टॉप की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज डिक्रीज करती जाती है। क्या होता है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज डिक्रीज करती जाती हैं। ठीक है, बट इसका आप ओपोजिट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप जब यहाँ पे बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो, ठीक है, इधर से किधर मूव कर रहे हैं, बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या होंगी, इंक्रीज करती जा रही हैं। ठीक है, या इसको उल्टा करके मैंने आपको क्या एक बात समझाई थी इस तरीके से कि जब आप नीचे से, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज करेंगी। या तो आप ऐसा बोल लीजिए, या सिमिलैरिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये मैंने सिंबल डाल रखा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ईच एंड एवरी क्लास में मैं आपको ये समझाती आ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, देन बात किसकी आती है, एग्जांपल्स की आती है, जो आप मोस्टली मिस करते हैं। एग्जांपल्स देखने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि ये कुछ अजीब टाइप के नेम्स है, तो आप उसको स्किप करके आगे मूव कर जाते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आप एनिमल्स का ले लीजिए। ठीक है, एनिमल्स में एक बहुत आसान सा ऑर्डर है, कार्निवोरा। नाम सुना होगा आपने, क्या है ऑर्डर, कार्निवोरा। ठीक है,
जब इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो फैमिलीज इंक्लूड की जाती हैं, दैट इज फेलिडी एंड कैनिडी। मतलब ये सब क्या है, कार्निवोर्स हैं। क्या है ये? कार्निवोर्स हैं। तो इसके ऑर्डर का नेम ही क्या रखा गया है, कार्निवोरा रखा गया है। और इसके अंदर कौन सी फैमिलीज को इंक्लूड किया है हमने, फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, फेलिडी एंड कैनिडी याद रखिएगा आप ये। देन हम प्लांट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लांट्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लांट्स के एग्जाम्पल्स को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्डर है जिसका नाम क्या है, पॉलीमोनियल्स भी कई टीचर्स इसको बोलते हैं, या फिर आप पॉलीमोनियल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट स्पेलिंग में कोई चेंज तो होना नहीं है। ठीक है, तो जब आप इस ऑर्डर के एग्जाम्पल को लेते हैं तो यहाँ पे भी दो फैमिलीज इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, पहला है आपका कॉन्वोवलेसी। ठीक है, देन दूसरी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। ठीक है, ये दोनों फैमिलीज को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहीं से ऑप्शंस बना दिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, हमेशा की तरह बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।